सो गुड इवनिंग ऑल। आमे हमरो दुई तीन टा क्लास कर सारे ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट रो। तो फर्स्ट क्लास रे आमे देखी थी जे एसिड कहा कहा जाए, बेस कहा कहा जाए, एवं सॉल्ट कहा कहा जाए। एंड सेकंड क्लास रे आमे एंड फर्स्ट क्लास रे एटा भी आमे देखी थी जे एसिड बेस सॉल्ट को चिन्हवा पाई आम पाखे किसी सूचक थिला। ठीक अच्छे ना, ए सूचक मानकर आमे ऑलरेडी गोटे टेबल टी बनाई थी एंड एटा ऑलरेडी आमे फर्स्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले। देन सर आम देखी थी सर केमिकल प्रॉपर्टी बा रासायनिक गुण थी अम्ल एवं क्षारक मानकर। तो प्रथम गुण रे आम देखी थी सर जितेबाला आम पाखे कौन सी एक धातु अच्छी धातु सह जितेबाला सर आम अम्लटी प्रतिक्रिया करे तेब यार लवण और हाइड्रोजन गैस थी ये थी आम फर्स्ट इक्वेशन टी। देन जहाँपर आम देखी थी बोले जितेबाला एसिड गुड़ाक मेटल कार्बोनेट किंबा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया करती। तो ये आम नहीं सर ये हूँ मेटल कार्बोनेट एंड ये थी आम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जितेबाला आम एसिड सहित रिएक्ट करे ना सर तो आमको सर दिए सॉल्ट दिए बा लवण दिए वाटर दिए एंड सर कार्बन डाइऑक्साइड दिए। तो आमको ये टी जानवर अच्छे जो किए का सहित मिसले आमको कौन दिए एक मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट यू आसपे। ठीक अच्छे ना पे तो ये जिनस भी आम अलरेडी डिस्कसन करें जितेबाला एसीड गोटे बेस सहित रिएक्ट करू एसिड मीन्स अम्ल बेस मीन्स क्षारक। तो गोटे अम्ल जब गोटे क्षारक सह प्रतिक्रिया कै तेज कौन हुए ये गुड़ाक आम अलरेडी देखी बोले आज क्लास कौन देखा ना एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स कौन लिखा जाए बोले एसिड एसिड मीन्स कौन सर अम्ल रिएक्ट विथ मीन्स प्रतिक्रिया कर सहित प्रतिक्रिया कर सर मेटल मेटल अर्थ हो धातु एंड ऑक्साइड अर्थ हो बोले ऑक्सीजन ऑक्साइड बा ऑक्सीजन कथा जब आम कह तो आम देखी सर ऑक्सीजन पाखे दुईटा इलेक्ट्रॉन कम पड़े बा आपको कंप्लीट स्टेबल हाबापी दुईटा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दरकार पड़े। तो मेटल जी अच्छे पीले प्रायत तो मेटल गुड़ाक कौन करती सर एम इलेक्ट्रॉन दबापी चाहते तो एम पॉजिटिव चार्ज होती ऑक्सीजन टे आम नेगेटिव बा दुईटा आयन आपको दुईटे चार्ज आमको दरकार पड़े। तो ऑक्सीजन टे आम नेगेटिव आयन हो मेटल गुड़ाक आम पॉजिटिव आयन होते। तो ये मेटल सर इलेक्ट्रॉन दबापी चाहे ये ऑक्सीजन टी सर इलेक्ट्रॉन नबापी चाहे। तो सर ये मेटल एवं ये ऑक्सीजन भितर बॉन्ड फॉर्मेशन है सी आमको दब सर मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड रे कौन हो सर गोटे मेटल टी थी एवं सी सर ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कर रिएक्ट कला पर मेटल ऑक्साइड टी देथिबो। तो यही टाइप रो जदि आम पाखरे किछ मेटल ऑक्साइड अछि सर ये जदि आमर एसिड सहित रिएक्ट करिवो बा अम्ल सहित रिएक्ट करिवो तेबे आमर कौन आसिबो। तो ये आम कौन लिखा है देख बोले जो मेटल ऑक्साइड अच्छे ये जब तुम एसिड सहित रिएक्ट कर तो कौन आसे ये सॉल्ट एंड वाटर। तो सर गोटे जब हम एग्जांपल ना तो मेटल गोटे नबार अच्छे सर सी ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड दबार अच्छे। तो आम गोटे मेटल टी ना कॉपर तो कॉपर थी सर Cu2+ एंड ऑक्साइड ऑक्साइड ना O2-। तो ये सर 2+ ए 2- कैंसल है आमको जो मेटल ऑक्साइड बा धातु ऑक्साइड टी मिलला ता ना दे देला हमें कॉपर ऑक्साइड बा CuO। एति बुझा पड़ियो पिले वर्तमान कौन हम सर ना जदि एसिड कथा कहबा तो आम पाखे दुईटा एसिड थिला बा आमरे बहुत सारा एसिड थिला बट आम जनरली नियंती H2SO4 नियंती जदि ना HCl नियंती। तो जेतेबेला आम H2SO4 जदि नबा तो एठी कौन हम सर ना सर कॉपरटा अधिक रिएक्टिव हुए एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तेणु कौन कर सर कॉपरटा H2 को डिस्प्लेस कर डिस्प्लेस कले सर कौन आसो कॉपर आसो सल्फेट सहित मिसो एंड सी देद आमको कॉपर सल्फेट एंड सर H2O सहित जाए मिसी आमको देदेव H2O। बुझा पड़े बोले कौन हो चे? तो सर आम अलरेडी जनरल इक्वेशन टाक भी देखिले इक्वेशन रोटे एग्जाम्पल हिसाब से आम ना ये कॉपर ऑक्साइड ये हूँ कॉपर हूँ गोटे धातु ये ऑक्सीजन सहित मिसले धातु ऑक्साइड देला। तो धातु ऑक्साइड जितेबाला अम्ल सहित प्रतिक्रिया कर तो अम्ल एग्जांपल रे क्या ना H2SO4 को ना तो H2SO4 जितेबाला से रिएक्ट करुच्छे सर तो कौन हो सर ना हाइड्रोजन टू सर आम कॉपर टी अधिक रिएक्टिव हुए तेणु सर कॉपर कौन कर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर विस्थापित कर विस्थापित कलापर सर कॉपर सल्फेट देला आमको एठर H2 बाहर ये ओ सहित मिसो एंड ये आमको देला H2O बा जल। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन बुझा पड़ो बोली समस्त को।
सेकेंड आसला पिला गोटे जिन देखो बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो ये कौन आसला पिले नॉन मेटल, नॉन मेटल माने कौन सर जो माने कि मेटल ही नथिबे ठीक अच्छे। तो से सहित जब रिएक्शन करुच्छे तेज कौन आस तो फास्ट जिन सर आमको गोटे बेस नवार अच्छे नहीं क्या सहित रिएक्ट कर सर नॉन मेटल ऑक्साइड सहित रिएक्ट कर जब गोटे नॉन मेटल मु कार्बन कहले पिले एवं ये जो ऑक्सीजन सहित मिसीबो ना सर तो कार्बन रो नॉर्मली वैलेंस होची 4 प्लस ऑक्सीजन रो वैलेंस होची 2 माइनस। तो सर जो ये मिसीबो तो ये आमको दे देला पिले आर दुई आर चार ये कैंसल हो गले ये दुई दुणे चार हे ये दुई एक दुई हे तो एक तौक आसो ये दुई तौक आसो तो ये हेगला पिले सीओ टू। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन थी नॉन मेटल तार जो आम ऑक्साइड फॉर्मेशन कले तो आम पाखे आसा कार्बन डाइऑक्साइड बुझा पड़े पे यहाँ। तो जदि सर आम गोटे नॉन मेटल ऑक्साइड टे निदी आम बेस सहित रिएक्ट करते तेज भी ये कौन आसा सर अगेन सर से सॉल्ट आसला एंड वाटर आसला। यार जब गोटे एग्जांपल नापी ट्राए करवा तो नॉन मेटल ऑक्साइड हूँ पे आम पाखे कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बेस कथा कहले पे कौन से एक बेस कथा जब कह जब मुझे गोटे बेस कथा कह सीएस टू ये अच्छा बर्तमान कौन हम पे ये जो रिएक्ट कर सर तो यू कौन आसो पे आम पाखे ना सर दुईटा एच ऑलरेडी ये थी एंड गोटे ओ मिसला तो ये ही जो आमर पे वाटर ठीक अच्छे एस टू वाटर एंड बाकी जहाँ भी रहा आम पाखे तो ये देद आमको सीए सीओ थ्री कैल्सियम थी तो कैल्सियम तो रहा कैल्सियम जो आ सहित रिएक्शन कला सर ये सी ये ओ टू दुईटा अलरेडी ओ हो एंड सर आम दुईटा ऑक्सीजन थी दुईटा हाइड्रोजन थी तो दुईटा हाइड्रोजन और गोटे ऑक्सीजन मिसिकी वाटर ही बाहरी पड़े और गोटे ऑक्सीजन ये एक्स्ट्रा थी तो ये ऑक्सीजन एवं सीओ टू सहित मिसी सीओ थ्री होगा। तो ये आम पाखे आसा कैल्सियम कार्बोनेट एंड वाटर तो कैल्सियम कार्बोनेट हूँ गोटे तुम सॉल्ट तो ये भी आसला कौन सर सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जांपल बुझा पड़ो पे तो सर आम दुईटा जिनस देखिले आउ थे मन पकाव चेस्ट कर देखिले आम ना सर जिते बड़े धातव ऑक्साइड टी अम्ल सह प्रतिक्रिया कै तेब ये आमको लवण और जल देता जी मुझे सेम जिन कथा कहूँ अधातव ऑक्साइड अधातव ऑक्साइड ये क्या सहित प्रतिक्रिया कर क्षारक सह प्रतिक्रिया कर तो क्षारक सह प्रतिक्रिया कला पर पुणी देला कौन पिले लवण ओ जल। तो यदि आम प्रीवियस क्लास कथा कहते तो एसिड रिएक्ट्स विथ बेस तो ये पिले देख जिते गोटे अम्ल गोटे क्षारक सह प्रतिक्रिया कर तेज कौन आसला पे ये तो जदि ए रिएक्शन को देखा एंड ए रिएक्शन को देखा तो रिएक्शन टा देख ला ए रिएक्शन टा भी कर देखा जा तो ये भी सर उत्पाद साइड रे आमको देखा मिलूँ लवण और जल तार अर्थ बोले ये तुम किए क्या रिएक्ट कर तार गोटे अम्ल गोटे क्षारक हो तो अम्ल तो ये क्लीयरली देखा जामको तार अर्थ ये धातव ऑक्साइड टाइप ये कौन हो बोले क्षारक। सर आम जानते जिते गोटे अम्ल गोटे क्षारक सह प्रतिक्रिया कै तेज लवण और जल सृष्टि कै तो ये तो अलरेडी लवण और जल मिलूँ तार अर्थ कौन ना प्रतिकारक साइड रे अम्ल और क्षारक थे ये अम्ल आमको क्लीयरली देखा जाऊँ तार अर्थ कौन सर जी बलका रहा सी आम क्षारक हो तो सर यू आम कौन शिखिले ना सर प्रत्येक धातव ऑक्साइड गुड़ाक क्षारक हूँ से प्रकृति कौन हो क्षारक हो बुझा पड़े बोले तो यदि क्वेश्चन पचारा हम धातव ऑक्साइड गुड़ाक कौन अम्ल ना क्षारक ना लवण तो आंसर कौन आसो पे क्षारक आसो जदि सेम जिन अधातव ऑक्साइड कथा पचारे पे टिकले तो एटा भी सेम रिएक्शन जो थे कि लवण और जल मिले तार अर्थ सर ये भी सर अम्ल और क्षारक प्रतिक्रिया कर बट ऑलरेडी आम पाखे क्षारक टी अच्छे तार अर्थ कौन हो सर ना जो अधातव ऑक्साइड टी थो ये किए थो बुझा पड़ो। तो यू आम गोटे जिनस शिखिले मेटल ऑक्साइड बा धातव ऑक्साइड गुड़ाक क्षारक था
बा इंग्लिश रे कहले बेस हुवंती। सिमिलरली तमर नॉन मेटल ऑक्साइड बा अधातु ऑक्साइड गुडा को अम्ल हुवंत। ए जिनसे बुझियो रे कर किछ प्रॉब्लम हो बिले तो बेले बेले कौन हुए पिले आम पाखे तो एमती बहुत सारा बेस अच्छा किंतु किछि बेस कौन हे जल रे द्रवणीय जल रे द्रवणीय माने कौन सर ना जब तक मो पानी रे मिसेबी तो से माने परफेक्टली मिसि जिवे। ठीक अच्छे तो जो क्षारक जल रे द्रवणीय हो जाए तार अर्थ जल रे मिसि जाए तो सही टाइप रो क्षारक को पिले आम कहंती क्षार ओनली क्षार कहते बा इंग्लिश रे कहले अल्काली। तो अल्काली कौन बा क्षार कौन ना सर ये भी गोटे क्षारक किंतु ये ऑलरेडी पानी सहित बा जल सहित मिसिकी थी बुझा पड़च। तो जहाँ कि लिखा जाए जे वाटर सल्युबल बेस तार अर्थ वाटर अर्थ जल सल्युबल अर्थ मिसिजियो बा द्रवणीय। तो जो बेस बा जो क्षारक जल रे द्रवीभूत हो रही थाए ताको कहते अल्काली बा क्षार। देखो बिल आम बेले बेले देखी जे एसिड गुड़ाक सर बहुत रिएक्टिव थांती बा बहुत शक्तिशाली थांती। तो जेते बेले गोटे एसिड बा गोटे अम्ल किछी भी जगह जदि पड़ जाए बिल तो कौन हुए बिल जली जाए बा सर पड़ी जाए। तो सर जदि ए टाइप रे रिएक्टिव जिनस गुड़ाक आम केमिस्ट्री लैब रे यूज करिवा एंड सपोज कौन से कारणवशत से कार हाथ में पड़गला बा कार देह रे पड़गला तब कौन हम पिले हाथ पड़ज बॉडी डैमेज हो सहीपर जब बेले बेले जब हाथ गोटे न पड़े जब कौन से इंस्ट्रूमेंट उपर भी जब पड़ जाए तुम जब टेबल चेयर उपर भी पड़ जाए से गुड़ाक भी जल जीवार चान्स था। तेणु आम कौन करते पिले एसिड गुड़ाक आम एत स्ट्रंग मात्र व्यवहार करती ना तो आम कौन करते सर ना एसिड गुड़ाक प्रथम आम दुर्बल करवाई चेष्टा कर। ठीक अच्छे तो एसिड गुड़ाकर जो क्वालिटी अच्छे एसिड गुड़ाकर जो पावर अच्छे से पावर को आम कम चेष्टा कर। तो कौन कले कम बोले मत आईडिया दल सपोज आम घर कि जिन रोसे पिले सपोज अधिक एमाउंट आम पाखे लुण हो जाए कि अधिक एमाउंट राग हो जाए तो आम कौन करते आगे पा मिसे दिखते आल मिसे दिखती। तो जल मिसेले कौन हो सर से लुण रो एमाउंट अच्छे से जल भितर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सी टे कम लुणी लगे। तो सेम जिन सर ये भी हुए जितेबाला आम पाखे किसी एसिड थाए कि अम्ल थाए यदि अम्ल अधिक पावरफुल अधिक शक्तिशा हुए तो ताकि कम करवाटा आम प्रति टे डेजरीय थाए तेणु ताकू आम कौन करार अच्छे पे दुर्बल करवर अच्छे। तो दुर्बल केमी कर सर ना सर ये अम्ल आम कौन मिसेबार अच्छे सर जल मिसेबार अच्छे बुझा पड़ब। तो जदि से टाइप रि एसिड कथ न कह बेस कथ भी कहे एमपर भाव आम पाखे बहुत सारा बेस भी अच्छा जो मैंने कि बहुत सारा स्ट्रंग था। तो बेस को भी जी आमको जब कम कर शक्ति को कम कर कौन करार अच्छे सर ये भी आमको किसी ना कि जल मिसेवाक पड़ो। ठीक अच्छे तो जल मिसवा द्वारा कौन हम सर एसीड रयन गुड़ाक टे कमी तो कमीगला से कौन हम सर टे दुर्बल हो बुझा पड़ चु बिले। तो सपोज आम पाखे गोटे एसीड अच्छे H2SO4 अच्छे। ठीक अच्छे तो आम बिकर भितर नहीं गले H2SO4 को तो ये आम कौन कर सर आपको जो आम दुर्बल करवाई चाहते तो ये कौन आमको एड कर पे वाटर एड कर तो नर्माली वाटर टा एड कर रही आमको पुणी थे सेक कर सेक मीन कौन मिसेबार अच्छे। ठीक अच्छे तो जिते आम घाटा मिसेवा तो से कौन हो पिले यू प्रचुर अमाउंट रे हीट बाहर तापमात्रा बाहर तो जिते तुम ये कोनिकल फ्लास्क को बाहर छुईब तो तुमको जना पड़ो जो ये बहुत सारा गरम हो रही। ठीक अच्छे तो ये जिते आम ओरिजिनल H2SO4 नहीं जोटा कि आम स्ट्रंग बाला था कहते पे कनसेंट्रेटेड H2SO4 कौन कहते पे टे मुझे कह। तो जितेबाला आम पूरा ओरिजिनल वाला टा नि जोटा कि पावरफुल वाला थाए कहते कनसेंट्रेटेड जहाँ को कि लिखा जाए CONC। ठीक अच्छे तो तुम जिते केवल लेबोरेटरी जीव तो देखियो जी CONC लिखाई तार अर्थ हो कनसेंट्रेटेड जिते सहित पानी मिसाइला पानी मिसला पर कौन है बोले सी एवं H2SO4 ही अच्छे कि H2SO4 पावर आती ना सी एवं टे कमी जाए
तो ताको कहते पिला डाइल्यूटेड कौन कहते रे एंड आपको जो लिखते डीआईएल लिखते डीआईएल फॉर डाइल्यूटेड ठीक अच्छे। तो साधारण तो आम जी लैबोरेटरी रे जिते भी अम्ल यूज करती जिते भी क्षारक यूज करती सब आम डाइल्यूटेड यूज कर सो दैट कौन हम ना आम हाथ में किसी उपर जब पड़ भी जाए तो आमको सेमती किसी विशेष डैमेज हम ना बुझा पड़ो। तो सर आम पाखे दुईटा जिनस देखिले गोटे थी कनसेंट्रेटेड व्हिच इज मोर पावरफुल देन से आम जल एड करवा तो सी धीरे धीरे कौन हम सर डाइल्यूटेड रे कन्वर्ट हो एंड जिते सर कनसेंट्रेटेड रु डायल्यूटेड को कन्वर्ट हो तो ये प्रचुर अमाउंट हीट बाहर तेणु ये जो प्रोसेस अच्छी आपको आम कौन ना दे पार ताप उत्पादी ना ताप शोषी ताप उत्पादी इंग्लिश रे कहले सर दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक अच्छे। इफ वी एड वाटर इनटू एन एसिड जो गोटे एसिड भितर कि जल वाटर दूसरी तो सेठू सर प्रचुर परिमाण रे ताप बाहर ताप निर्गत हो तेनाली ताप उत्पादी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो देख पे कौन लिखाला ना जल रे अम्ल क्षारक मिसाइवा द्वारा एकक आयतन प्रति एकक आयतन प्रति मान कौन सर जो गोटे पर्टिकुलर जगार एटी मुझे नर्माली जब ये H2SO4 थी पानी मिसेदेली पे तो ये कौन है ना सर किसी अमाउंट रे पानी मिसी गला एवं अल्प किसी अमाउंट रे ही H2SO4 रहिला बुझा पड़ी। तो ये H2SO4 रो कैपेसिटी अधिक रहिबो ना फर्स्ट जगह अधिक रहिबो बिल ए रे अधिक रहिबो ना बी रे अधिक रहिबो ए रे अधिक रहिबो कौन पे सर ना बी रे किसी अंश हमरो जल बा पानी टी कवर कर नै छै तो से जिंस से कहउछि एकक आयतन प्रति मींस गो पर्टिकुलर जदि हम आयतन रो नबा तो सेठी H3O आयन बा OH माइनस आयन गुड़ी करो गाढ़ता कमी जाए गाढ़ता कमी जाए मीन ये आगुरी जिते अमाउंट H2SO4 थिला H3O आयन थिला वर्तमान आती रही ना। तो यहीपर प्रतिक्रिया को लघुकरण कहते लघुकरण बा इंग्लिश रे कहले डाइल्यूशन मुझे कही भी डाइल्यूट हुए कहीकि तो डाइल्यूट को ओडिया रे कहते लघुकरण लघुकरण मान कौन सर ना कौन सी एक शक्तिशाली अम्ल क्षारक को जितेबले आम कम कर शक्ति को आम जो दुर्बल करती तो से प्रोसेस को कहते लघुकरण बुझा पड़ो। एवं कौन आम कहते अम्ल क्षारकटी लघुकृत है कहो तो ओरिजिनल जोटा थी आम कनसेंट्रेटेड कहते से प्रोसेसटा कहते लघुकरण लघुकरण है कौन कह लघुकृत है कहो। चलो तो ये देख पे आम कौन देखिले ना सर आम गोटे एसिड जदि अच्छी सर एसिड सर सी स्ट्रंग भी हो पारे बेले बेले सर एसिड टी कौन हो वीक भी हो तो वीक मान हूँ सर दुर्बल एंड स्ट्रंग मान हूँ सबल तो आम एसिड गोटे सबल भी हो पारे आम एसिड टी दुर्बल भी हो पारे जोटा कि आम कहते जे आम लेंबू बा कमला खाइला बेले सेठी भी एसिड था किंतु इजिली खाई दिया वेर एज एम किसी एसीड अच्छे जोटा कि H2SO4 HCl युवाक रिएक्टिव जे हाथ में पड़े हाथ में पड़े भी सी पड़ज। तो सर गोटे एसीड जदि अच्छी से एसीड टी के मात्रा सबल के मात्रा दुर्बल यहाँ आम किपर चिन्ह बर्तमान जे आम देखुले जो इंडिकेटर अच्छी तो इंडिकेटर आमको कहीदेव जो आम पाखे एसीड अच्छी या फिर बेस अच्छे किंतु गोटे जो एसीड आसला एवं एसीड भितर भी आम दुईटा जिनस देखिले किए था स्ट्रंग किए थाए कि विक। तो सर एसीड टी स्ट्रंग आसो कि विक आसो सेटा आम किपर चिन्ह गोटे एसीड टी स्ट्रंग अच्छी कि विक अच्छी ताकू जानापी पे आम गोटे स्केल यूज करती से स्केल रो ना हूँ पे पीएच स्केल कौन पे तो पी टा पे सब स्मॉल रे लिखा हुए एवं एच रे तुम कैपिटल रे लिखा हुए हला। तो से स्केल रो ना हूँ पे पीएच स्केल तो पीएच स्केल रो काम कौन सर ना गोटे एसिड टी के मात्रा रे स्ट्रांग अच्छी के मात्रा रे वीक अच्छी के मात्रा रे सबल अच्छी के मात्रा रे दुर्बल अच्छे से हीपरे जदि गोटे क्षारक कथा कहले तो क्षारक टी सबल अच्छे कि दुर्बल अच्छे ये सब जिन जानापी आम यूज करते कौन पीएच स्केल ठीक अच्छे। तो ये अलरेडी देखा भी जाऊ कहले पीएच स्केल तो ये आम पाखे गोटे स्केल टी अच्छी पे ये स्केल टी आरंभ होते रु सर जीरो रु आरंभ होंड सरी कौटी पे
14 বা 14 ঠিক আছে তো স্কেলটা 0 রু 14 যাই আছে এন্ড আর এক্স্যাক্টলি মঝিরে স্যার আমি দিয়ে দিলে কত স্যার 7 তো 0 টু 7 গোটে প্রকার জিনিস রহলা এবং 7 টু 14 আউ গোটে প্রকার জিনিস রহলা এই জিনিস দেখা যাচ্ছে এবে দেখো বিলে এটি গোটে জিনিস আছে যেটা কি ব্ল্যাক কালার রো আছে ये धीरे 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 कमी 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 जाऊ एंड जो 14 पाक आस पूरा तार कमी जाऊ देखा जाऊ एंड सेकंड जिन व्हाइट कलर रोटा कि जीरो पाखे कम थी धीरे 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 ये बढ़िया स्टार्ट कला एंड ये बढ़ी 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 14 पाक आसला बेलू सब अधिक अच्छे देखा जाऊ एंड जो सेवेन वाला कहते मझे वाला कहते ये ब्लाक कलर जी अच्छे ए व्हाइट कलर भी से अच्छे तो ये कौन कौन अच्छे पे आपको बुझाप चेस्ट कर ये जो ब्लाक कलर अच्छे पे सी हूँ आम एच प्लस आयन तो एच प्लस मान कौन पे एसीड ना बेस एसीड तार अर्थ ब्लाक कलर हूँ पे आम एसीड बा एसीड क्यारेक्टर गुड़ाक तो जो अधिक अच्छे जीरो पाखे एसीड क्यारेक्टर टी अधिक अच्छे जिते आगक आगे जी से एसीड क्यारेक्टर टा बढ़ू ना कमुचे पे कमी कमी जाऊ तो सर जीरो पाखे एसीड क्यारेक्टर सब अधिक जिते आगे जावा ये से कमी 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 जीव एंड 14 पाक आसला देखु तो बोले ये पूरा सी व्हाइट हो जाए तार अर्थ एसीड क्यारेक्टर पूरा सी हर सारी लुज कर सारी देखा ओवर एज जो आम ओएच माइनस आयन कथ कह व्हाइट कलर कथ कह तो ये कौन हम आम ये जो आम बेस ठीक अच्छे किमें जानवे सर ओएच माइनस अच्छे तो ये ये नॉर्मली जीरो पाखे देख पे किसी ना बट जो आगे आसवा तो ये व्हाइट हवा स्टार्ट हम तार अर्थ ये पाखे बेस क्यारेक्टर गुड़ाक डेवलप कर तो धीरे 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 आगे आसव ये सेवेन आसवा केस रे सर एसीड क्यारेक्टर जितकी थी बेस क्यारेक्टर भी से एंड जो सेवेन क्रस कर सर बर्तमान बेस क्यारेक्टर गुड़ाक अधिक एसीड क्यारेक्टर टा कौन कमी कमी जीव एत जिन बुझा पड़ चुके तो एसीड क्यारेक्टर गुड़ा कौन हुए सर जिते बे पीएच स्केल भैल्यूटा जीरो रु सेवेन भितर रहे तो से सर आम क्यारेक्टर टा एसीडिक हुए जिते सर सेवेन रु स्टार्ट 14 पर्यंत रहे तो से क्यारेक्टर टा सर बेस बा क्षार हुए बुझा पड़ चुके जीरो रु सेवेन हूँ अम्ल सेवेन रु 14 हूँ क्षारक एवं जो एक्जाक्टली सेवेन रही जाए तो ये हूँ तुम पे न्यूट्रल न्यूट्रल अर्थ कौन ना सी अम्ल भी हमनी क्षारक भी हमनी जहाँ कहते ओडिया कहले प्रसमन प्रसमन मान पाखे एसीड क्यारेक्टर जीक थी बेस क्यारेक्टर भी सेक थी जेपरिकी आम जल तो जो आम जल चाखती आम कौन से खटा लगे या खेरिया लगे कि बिले तो नॉर्मली जल टी आमको नॉर्मल लगे जोटा कि एसीड क्यारेक्टर भी न थाए एवं बेस क्यारेक्टर भी न थाए तेनाली कह सेवेन तार पीएच आसगला सेवेन एंड सीगला गोटे प्रसमन द्रव्य तो बर्तमान आसला सर जीरो रु सेवेन भितर रही सी अम्ल आस ठीक अच्छे बट कथा सर केत रे स्ट्रंग एसीड बा स्ट्रंग अम्ल हम एवं केत रही सी विक दुर्बल अम्ल हम से जानवर अच्छे तो देखु बोले जिते बे जीरो पखापाखि अच्छी ये आमर कनसेट्रेसन टी अधिक अच्छे एंड जिते आम सेवेन पाखापाखी गला ये कनसेट्रेसन टा कमी कमी जाऊ तार अर्थ आम कौन जान लें सर जिते बणसी भी द्रवण रणसी भी जिनसर पीएच भैल्यूटा तुम जीरो पाखापाखी अच्छे जीरो किंवा वन पाखापाखी ये मैक्सीम टू पाखापाखी अच्छे तो एमकर एसीड रेचर टा स्ट्रंग ओडिया कहले सबल अम्ल हो बट जिते पीएच भैल्यू गुड़ाक 6-7 पट पड़ेगा तो बर्तमान कौन हम ये तो एसीड ही थी किंतु ये एसीड क्यारेक्टर गुड़ाक टी दुर्बल होक हो बुझा पड़े जिनस कौन कौच तो जिते आम जीरो पखापाखी थी से सबल अम्ल होते सी सेवेन पाख आसत सी दुर्बल अम्ल होपर जी आम बेस कथा कह पे तो बेसटा जब आम कह तो बेस पीएच जिते बड़े 7-8 पाखापाखी अच्छे तो ये 7 या फिर एट ए पाखापाखी अच्छे तो ये पे आम बेस क्यारेक्टर टाइम कम था
अम्ल अपेक्षा क्षारकर क्यारेक्टर अधिक अच्छे कि क्षारकर परिमाण टे कम अच्छे आज कंपेयर टू 14 वाला। तो 14 वाला पाखे देखु ये क्षारकर परिमाण बहुत अधिक अच्छे, बट ये 7-8 जगह क्षारकर परिमाण अधिक अच्छे किंतु 8 तुलन में ये टे कम अच्छे। तो जदि मुझे 7-8 पखापाखि ने तो मो पाखे मिल दुर्बल क्षारक एंड जिते बड़े ये मोर 13-14 पखापाखि पलैला तो ये मत कौन मिल पे सबल क्षारक बुझा पड़ब। यह सेमती ये थिला सबल अम्ल थिला एंड ये थिला हमरो दुर्बल अम्ल। ये जिनसे बुझिबार कार किछ प्रॉब्लम हबो जे सबल आ दुर्बल केमिति आसछ। तो जार पीएच 0-1-2 भितर रहउछि से हमरो स्ट्रांग एसिड थाए, जार 6-7 पाखा पाई गला से हमरो वीक एसिड आसीबो। 7 रु जदि टिके आगु को अछि 7-8-9 ए पाखा पाई अछि तो से जो वीक बेस एंड जे 13-14 पाखा पाखि पळैला से जो स्ट्रांग बेस। ये जिनसे बुझा पड़ो बोले समस्त को। तो आम कौन शिखिले आउ थे टे देखीद ना सर जिते आम आगो को बढ़िया पीएच स्केल जिते आम आगो बढ़िया तो से कौन हो सर ओएच आयन कंसेंट्रेशन टी बढ़ी बढ़ी जाए और जिते आम पछक पछक आसवा एच प्लस रयन रनसेंट्रेसन टी बढ़ी बढ़ी आस बुझे। तो जीरो पाखापाखि एच प्लस रयन रनसेंट्रेसन सब अधिक थी एंड जिते आगु आगु जीवा एच प्लस रयन टी कमी कमी जीव ओएच रहा बढ़ी बढ़ी जीव। जदि ओएच बढ़ी बढ़ी गला तेज तार क्षारिय प्रकृति बढ़ी, जदि पछक जीवा एच प्लस बढ़ुला तार अर्थ तार अम्लीय प्रकृति बढ़ी बढ़ी जीव। ये जिनस बुझा पड़ो बोले ठीक अच्छे। तो ये आम पाखे देखु भी गोटे मो पीएस स्केल टे नहीं जो थी कि लिखाई पाचन रस। पाचन रस मानने कौन बोले तुम जिते बड़े खाद्य खाऊ खाद्य टे डाइजेसन हाबपाई आम बडी भितर गोटे एसीड टी बाहर बुझा पड़े। एसीड टा हूँ आम हाइड्रोक्लोरिक एसीड थाए सहित आम कि अलग अलग एंजाइम गुडाक मिशंती मिसला से पाचन रस दिए ठीक अच्छे। तो पाचन रस हूँ गोटे प्रकार अम्ल टे जो अम्ल कि काम है आम खाद्य को डाइजेसन करचन कर साय कर सी जेहत गोटे अम्ल है तेणु तार पीएच टा के अच्छे वन। तो वन रर्थ हूँ ये हूँ गोटे स्ट्रंग एसीड। जदि आम लेंबु कथा कह तो लेंबू रस भी गोटे एसीड सार बट ये टिके कम अच्छे तेणु तार के आसला टू आसीगला बुझा पड़े। तो लेंबू रस पीएच देखिए प्राय 2.2 थाए। से देखा विशुद्ध जल बा रक्त तो विशुद्ध जल बा रक्तटा 7.4 जोटा कहल तो नर्माली 7.4 को भी 0.4 को आम से किसी विशेष न देखी 7 भितर ही कनसीडर कर दिखते तेणु ये आपको भी आम प्रायत न्यूट्रल प्रशमन ही भावि ठीक अच्छे। जदि एक्जाक्टली देखापी चाहिए तो ये तुम क्षारिय हवा कथा जेहतु 0.4 अच्छे बट जब 0.4 को आम नेग्लेक्ट करदे तो जब आपको आम राउंड करवा तो ये पखापाखि 7 अच्छे तेणु ये पखापाखि तुम एसीड बेस सामान सामान था ये गोटे प्रशमन न्यूट्रल कंडीशन आम भावि नब ठीक अच्छे। से पर जब आगे बढ़िया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये गोटे आम कंपाउंड टी जे कि पीएच देखो के 10 पीएच 10 मान ये कौन हो क्षारक एंड ये आ गए अच्छे एनएओएच सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रो तुम पीएच के आसला पे 14 दैट मीनस ये गोटे आम स्ट्रंग बेस गोटे सबल बेस क्षारक। ये जिनस बुझे कह कि प्रोब्लम एबे क्वेश्चन आसला पे पीएच स्केल को आम व्यवहार कौटी कर पीएच स्केल व्यवहार करने द्वारा आमको कौन लाभ मिल दैनंदिन जीवन रे पीएच रो गुरुत्व आम डेली लाइफ रे पीएच गुड़ाक कौन कौन था मुझे जहाँ कहती उद्भिद और प्राणी गुड़िकर पीएच सचेतन किए। तो आम उद्भिद जो प्राणी कथा कहते तो आमर जब बॉडी एसिड कि बेस मान क्वांटिटी जब कम बेस हो जाए तो हिसाब से आम पाखे कि प्रॉब्लम हुए तेणु आमको कौन देखार अच्छे आम बॉडी रे को पार्ट रो पीएच के रहीबार अच्छे एंड ताको सब मेंटेन करने ट्राए कर। सेकेंड आसला परिपाक व्यवस्था रो पीएच एवं ही कहली डाइजेशन करने कि गोटे एसिड सिक्रेशन हुए ठीक अच्छे। तो ये जिनसा एसिडिक नेचर थाए जार कि आम पीएच देख ला ऑलरेडी 1 कही। पीएच परिवर्तन दंत क्षय कारण तो ये कौन हो सर जदि आम दात गुड़ाक एसिड गुड़ाक जमा हो जाए तो सर आम दात गुड़ाक सी धीरे 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 नष्ट कर जाए
ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ ଦେଖିଥିବ ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ହୋଲ ହେଇଯାଏ, କଣା ହେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି? ତ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଡିକେ ୟା ଫେର୍ କ୍ୟାଭିଟି। ତ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା ପାଇଁ ବି ପିଏଚ୍ ଦାୟୀ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ମୁହଁର ପିଏଚ୍ ଗୁଡାକ କମିଯାଉଛି କି ତାର ଅର୍ଥ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିମାଣ ବଢିଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ କଣ କରାଯାଇପାରିବ ସୋ ଦାଟ ଏ ପିଏଚ୍ ଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତ ପିଏଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥିବ ତ ଆମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଇଥିବ। ଯଦି ପିଏଚ୍ ରେ କମ୍ ବା ବେଶୀ ଆସେ ତାର ଅର୍ଥ ତା ପାଖରେ ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡାକ କମିଯାଏ ବା ବଢି ହୋଇଯାଏ, ତା ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଜିନିଷ ଟିକେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଦେବ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ କୁ ଏଠୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ୍ଲାସ।